Hello, my lovely students. This is Mansi from evithappy.in. Welcome back to the channel. So now we are on the exercises of chapter number 13. Chapter 13 ke notes complete ho gaye hain. Ab hum aate hain iski exercises pe. So, sabse pehla hamare paas hai choose the correct answer. Sound can travel through. Ab humne ye itni baar chapter mein padha hai na ki sound ko ek medium chahiye hota hai travel karne ka. Wo solid se, liquid se, gas se travel कर सकते हैं. तो यहाँ पे है गैसेज ओनली, सॉलिड ओनली या लिक्विड ओनली. सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में वो ट्रेवल कर सकती है साउंड. करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास. वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी. अब ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना. यहाँ पे पूछा है फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, मैन और Women. So now frequency का relation हमें पता है pitch से होता है. और हमने पढ़ा था जब man और women का पढ़ा था कि women की जो pitch होती है वो high होती है as compared to men. Similarly यहाँ पे सबसे minimum होगी men की. Why? Because सबसे minimum pitch जो होती है वो man की होती है. And pitch और frequency हमारा directly proportional होता है. So यहाँ पे man की जो pitch है वो सबसे कम होगी, therefore उसकी ही फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी. गॉट इट. नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पे. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज हु आर फॉल्स. सिंपली आपको ट्रू फॉल्स बताना है. सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती. दिस इज ट्रू. सही है ना, बिल्कुल. क्योंकि हमने पढ़ा था साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने का, एंड दस वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में कर सकते, लेकिन अगर वैक्यूम है तो वहां पे साउंड नहीं आ सकती. देन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. क्या उसको टाइम पीरियड बोलते हैं? नो. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड हमारा फ्रीक्वेंसी होता है. तो टाइम पीरियड नहीं होता, इट इज फ्रीक्वेंसी. सो देयरफॉर ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी False. Okay. Moving to the next one. C part में है. If the amplitude of vibration is large, sound is feeble. Now amplitude पे आ जाओ. Amplitude हमारा loudness पे depend करता है. मतलब उसका relation उसके साथ होता है. अब amplitude जितना ज्यादा होगा उतनी sound feeble होगी. ये उल्टा लिखा हुआ है. Amplitude जितना कम होगा उतनी sound feeble होगी. So therefore this statement is also false. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास. फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. सो दिस इज ट्रू. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट में. द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच. अगेन उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पे. जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और जो पिच होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी उतनी ही पिच लो होगी. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है, ये तो अभी हमने उस क्वेश्चन में भी करके आया ना, जो मैन का हमने देखा था. फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी, जिसकी पिच सबसे कम होगी, है ना. देन एफ पार्ट है. अनवांटेड और प्लीजिंग अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक. सो अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड, वैसे हम लोगों का म्यूजिक तो बड़ों के लिए नॉइजी होता है. So, but here unpleasant or unwanted sound music नहीं होता, it is noise. Okay, so therefore ये जो हमारी statement थी वो false होगी. Remember जब भी आप true false करते हो सिर्फ true या false पता होना ही जरूरी नहीं होता, आपको reason भी पता होना चाहिए. मान लो यही आपके पास same आ जाता और इस तरह से आता कि correct the statement, तो सबके आपको reasons पता होंगे कि ये false क्यों है, तभी आप आगे रीजंस दे पाओगे या करेक्ट कर पाओगे स्टेटमेंट को. गॉट इट. नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. सो दिस इज ट्रू. ये हमने पढ़ा था ना कि जब हमने हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन पढ़ा था, तो दिस इज ट्रू. गॉट इट. सो ये था हमारा क्वेश्चन. नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज फिलिंग द ब्लैंक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स. ए पार्ट है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. सो दिस इज यहाँ गया टाइम पीरियड. ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे. सो इट इज
going to be amplitude. Okay, next पे आ जाते हैं हम. Next है हमारे पास the unit of frequency is, frequency की unit क्या थी? Hertz. ठीक है. Unwanted sound is called noise. Simple सा आएगी तो बहुत. Then shrillness of a sound is determined by the dash of vibration. देखो ये हमने देखा था shrillness वैसे किससे pitch से पता चलती है, but यहाँ पे डैश ऑफ वाइब्रेशन, तो पिच ऑफ वाइब्रेशन नहीं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. फ्रीक्वेंसी और पिच आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से पिच डिटरमाइन हो गया एंड पिच से श्रिंकनेस. ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय.